ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन ये है कि व्हेन वी हैव टू हैंडल द एक्सेप्शन एट द टाइम ऑफ मेथड डेफिनेशन और एट द टाइम ऑफ मेथड कॉल, मेथड की डेफिनेशन के टाइम पे हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहिए या मेथड के कॉलिंग टाइम पे हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए मैं एक डेवलपर हूं और मेथड मैं बना रहा हूं कोई, तो उसी टाइम पे उसे ट्राई कैच के अंदर लिख के चलना चाहिए या जब मैं मेथड को कॉल करूंगा उस टाइम पे हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं और साथ में हम थ्रोज कीवर्ड को भी समझ जाएंगे। थ्रोज कीवर्ड, ये थ्रो नहीं है, थ्रोज है, एस यहां पे लगा हुआ है, थ्रो और थ्रोज में डिफरेंस होता है, यहां एस लगा हुआ है। तो व्हेन वी हैव टू हैंडल द लाइक एक्सेप्शन एट द टाइम ऑफ मेथड कॉलिंग और एट द टाइम ऑफ मेथड डेफिनेशन, सो द आंसर इज मेथड कॉल। आप लोग बताइए मेथड कॉल या मेथड डेफिनेशन और क्यों, व्हाई? बहुत से लोग बोलेंगे मेथड कॉलिंग पे करना चाहिए, बहुत से लोग बोलेंगे मेथड डेफिनेशन के टाइम पे करके चलो ताकि सर पता चल जाए प्रोग्राम में अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो उस टाइम पे वो हैंडल हो जाए। तो आप जरा सोचो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। जावा ने हर एक काम के लिए मेथड बनाया हुआ है, लाखों करोड़ों एन नंबर ऑफ मेथड्स, हम गिन ही नहीं सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेथड्स हैं। अब इन मेथड्स के आगे सबके अंदर डेफिनेशन में उन्होंने ट्राई कैच लगा के दिया। अच्छा सपोज करो उन्होंने ट्राई कैच लगा के दे दिया होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस पर्टिकुलर कैच यानी कि उस मेथड को कॉल करने पे जो एक्सेप्शन आएगी उसका जो मैसेज होगा वो उन्हीं के हिसाब से आ पाएगा। अगर डेफिनेशन टाइम पे आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिख दिया तो जिस बंदे ने मेथड को डिफाइन किया है कैच ट्राई वही लगाएगा, और कैच ट्राई वही लगाएगा तो मैसेज भी उसी के हिसाब से आएगा, आप अपने हिसाब से तो पा नहीं सकते हो। तो इसीलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कोड होता है, जो लॉजिक होती है, वो जनरली कॉलिंग टाइम पे लिखा जाता है, जनरली। वैसे कुछ दो चार डेफिनेशन टाइम पे भी दे दो, बट बहुत ज्यादा से ज्यादातर मेथड्स ऐसे ही बनते हैं जहां पे कॉलिंग टाइम पे लॉजिक लिखवाया जाता है ताकि जो बंदा उसे कॉल कर रहा है वो अपने हिसाब से ट्राई कैच में मैसेज देके उसे प्रिंट करा सके। आप देखो ना इंटीजर क्लास का पार्सेंट जब हम यूज करते हैं तो पार्सेंट तो हम कॉल कर रहे हैं, बट पार्सेंट मैसेज जब हम कॉल कर रहे हैं तो ट्राई कैच कौन लगा रहा है? हम लगा रहे हैं, लैंग्वेज तो लगा के दिया नहीं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर मेथड के कॉल करने पे ये एक्सेप्शन आ सकती है या आने के चांसेस हैं और हमें ट्राई कैच लगाना चाहिए? ये भी तो बात है। अगर हमें कैसे पता चला कि ट्राई कैच में सॉरी इंटीजर क्लास के पार्सेंट में एक्सेप्शन आ सकती है, कैसे हमें पता चला कि क्लास डॉट फॉर नेम चलाने से एक्सेप्शन आ सकती है, वो इंडिकेशन कैसे दिया जाता है? किसी मेथड के डेफिनेशन में एक कीवर्ड लगाया जाता है और वो कीवर्ड होता है थ्रोज कीवर्ड। उस थ्रोज कीवर्ड के थ्रू इंडिकेशन दिया जाता है किस मेथड के कॉलिंग के टाइम पे आपको इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के आने के चांसेस हैं। तो जब आप इस मेथड को कॉल करिएगा तो उसे ट्राई कैच में लिख के चलिएगा, अगर एक्सेप्शन आएगी तो आप हैंडल कर लीजिए, अपने हिसाब से मैसेज प्रिंट करा लीजिए। सो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड कॉलिंग टाइम पे लिखना चाहिए ताकि हम अपने हिसाब से मैसेज प्रिंट करा सके, ठीक। अब बात करते हैं थ्रोज कीवर्ड की। तो थ्रोज कीवर्ड यहां पे ज्यादा रोल प्ले करता है। थ्रोज कीवर्ड किसी भी मेथड के अंदर ना यूज होके मेथड के डेफिनेशन के साथ, मेथड के सिग्नेचर के साथ लिखा जाता है, जिसका पर्पस होता है टू प्रोवाइडिंग द इंडिकेशन टू द एंड यूजर दैट व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शन मे ऑकर इन द प्रोग्राम। सो व्हाट इज अ थ्रोज? सो थ्रोज इज अ कीवर्ड व्हिच इंडिकेट दैट व्हिच इन्फॉर्म अस that what type of exception may occur in the program. So throws keyword is not a like using to throwing an exception explicitly like throw. Throw का काम क्या होता था? Exception को explicitly throw कराना. But throws is not used to throwing an exception explicitly in a program. Throws is used to providing the indication to the end user that what type of exception may occur in the program. Throws keyword is used to providing the indication to the end user. Throws keyword is used to providing the indication to the end user that what type of exception may occur in the program. ये यूजर को इंडिकेशन दे रहा है कि किस टाइप का एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में ऑकर हो सकता है। तो इट इज यूज टू प्रोवाइडिंग द इंडिकेशन टू द एंड यूजर दैट वॉट टाइप ऑफ एक्सेप्शन मे ऑकर इन द प्रोग्राम। तो यहां पर बात वही है कि जो इंटीजर क्लास के पार्सेंट मेथड है उसके आगे थ्रोज लिखा हुआ है, जो क्लास क्लास का फॉरनेम मेथड उसके आगे थ्रोज लिखा हुआ है, वो हमें इंडिकेट क्या कर रहा है? वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि उस मेथड को जब आप कॉल करोगे
तो इस टाइप की एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। साफ उसे क्या करिएगा, ट्राई कैच में लेके चलिएगा। देखो एक्चुअली ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, थ्रो और थ्रोज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बहुत ज्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना है भाई। थ्रो कीवर्ड क्या कर रहा है, जहां मर्जी आप चाहते हो अपने अकॉर्डिंगली एक्सेप्शन को थ्रो करा पाओगे, लेकिन थ्रोज कीवर्ड एक्सेप्शन नहीं थ्रो करता, बस इंडिकेशन देता है मेथड के सिग्नेचर के साथ। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कैसे, जैसे यहां समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूं पब्लिक वाइड शो, या मान लीजिए मेथड का नाम है रीड। अब इस रीड मेथड के आगे मैं यहां पे लगा दूंगा थ्रोज। अब थ्रोज के आगे वाला सेक्शन मैं यहां लिख देता हूं, सपोज करिए मैंने लिख दिया आयो एक्सेप्शन, ऐसे मैंने लिख दिया थ्रोज आयो एक्सेप्शन, ठीक है, आयो एक्सेप्शन इसी के जस्ट आगे होगा, तो मैं यहां पे नीचे लिख दिया हूं। क्या ये मेथड के अंदर लगा हुआ है? नहीं। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो थ्रो इज यूज टू थ्रोइंग एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली इन अ प्रोग्राम, बट थ्रोज इज नॉट यूज टू थ्रोइंग एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली इन अ प्रोग्राम। थ्रो इज अ पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, मतलब अंदर होता है, इंप्लीमेंटेशन का पार्ट होता है, बट थ्रोज इज अ पार्ट ऑफ मेथड सिग्नेचर, थ्रोज इज अ पार्ट ऑफ मेथड सिग्नेचर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये थ्रोज क्या इंडिकेट कर रहा है, जब इस मेथड को जो बंदा कॉल करेगा उसमें इस टाइप की एक्सेप्शन आने के चांसेस, इस टाइप की एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, बस खत्म। दिस इज द यूज ऑफ थ्रो कीवर्ड, थ्रोज कीवर्ड। क्वेश्चन ये है कब, किस सिनेरियोज में, किस सिनेरियोज में जरूरत पड़ती है ऐसा, जब कभी भी प्रोग्राम में कोई चेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन आती है या चेक्ड एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, तो उनको थ्रोज कराया जाता है। तो जनरली मतलब चेक्ड एक्सेप्शन को ही थ्रोज कराया जाता है। यहां पे अभी क्वेश्चन आ गया कि चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, तो अनचेक्ड और चेक्ड एक्सेप्शन जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चेक्ड को थ्रोज क्यों कराना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो वो मैं आपको बताता हूं। पहले इसे आप समझ लीजिए कि थ्रोज का क्या कंसेप्ट है। थ्रोज का कंसेप्ट है कि ये मेथड के साथ सिग्नेचर में ऐसे लगाया जाता है, आप लगा सकते हैं, और जावा ने भी बहुत सारे इंटरनल मेथड के साथ थ्रोज कीवर्ड लगाया हुआ है उन्होंने। और जब भी किसी मेथड के साथ थ्रोज कीवर्ड लगा हुआ है तो वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि इस मेथड में इस टाइप की एक्सेप्शन के आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है इससे रिलेटेड। अगर किसी भी मेथड के आगे थ्रोज लिखा हुआ है और इस मेथड को मान लीजिए इस मेन मेथड के अंदर मैं यहां पे कॉल कर रहा हूं, जैसे यहां कॉल कर रहा हूं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल होता है, कि आपको इस मेथड को कॉलिंग के टाइम पे, यानी कि यहां पे रीड को कॉल करते टाइम पे, इस पर्टिकुलर रीड को ट्राई कैच के अंदर लिखना पड़ेगा, यानी कि या तो हैंडल करना पड़ेगा, केस फर्स्ट है ये, या तो हैंडल करके चलिए, और नहीं हैंडल करना चाहते हैं तो जिस टाइप की एक्सेप्शन थ्रोज हो रही है वही सेम एक्सेप्शन यहां पे कॉलिंग टाइम पे आप थ्रोज करा दीजिए, थ्रोज आयो एक्सेप्शन। कहने का मतलब ये हो गया कि व्हेन अ मेथड हैविंग डिक्लेयर्ड विद अ थ्रोज कीवर्ड शुड इंडिकेटिंग टू यू, it indicating to the developers when you are calling this method, so must be caught, must be handled or declared to be thrown. समझ में आ रहा है, क्लियर है कि अगर आप किसी मेथड को कॉल कर रहे हो जिसके आगे थ्रोज लगा हुआ है, या जावा के किसी ऐसे मेथड के आगे जिसके आगे थ्रोज लगा है उसे आप कॉल कर रहे हो, तो वहां पे एरर आ जाता है, लिखा आता है कि मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। या तो उसको कॉलिंग टाइम पे ट्राई कैच के अंदर लिख के चलो, या उसी टाइप का एक्सेप्शन यहां पे थ्रोज करा दो। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है थ्रोज से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है, अगर हैंडल कर लेंगे तो क्या होगा,
क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, अगर हैंडल कर लेंगे तो रेस्ट ऑफ कोड मेंटेन होगा अगर प्रोग्राम में एक्सेप्शन आएगी तो, और अगर थ्रोस लिख देंगे और अवॉइड कर देंगे ट्राई कैच को तो फिर अगर एक्सेप्शन आएगी तो हैंडल नहीं हो पाएगी, बस अवॉइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो अब बताओ ये मेन मेथड के आगे लिखा, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? जेवीएम को। ये जेवीएम को इंडिकेट कर रहा है जो मेन को कॉल कर रहा है। तो जब भी किसी मेथड के आगे थ्रोस लगा हो, जब भी किसी मेथड के आगे थ्रोस लगा हो तो बस एक ही शिक्षा उससे हमें मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थ्रोस समझने में 2-3 साल मुझे इनिशियली लग गए थे, स्टार्टिंग के टाइम पे मुझे थ्रोस का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा था, तो क्योंकि उसको समझाने का जो कंसेप्ट होता था वो कोई बता ही नहीं पाता था। तो मैं आपको इसीलिए इस चीज में जरूर हेल्प करूंगा कि थ्रोस कीवर्ड में ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, और जनरली हम एज ए डेवलपर बहुत कम थ्रोस लगाते हैं। जावा ने इंटरनल बहुत सारे मेथड है जिनके आगे थ्रोस लिखा हुआ है उन्होंने, और वो जिस भी मेथड के आगे चाहे हम ही लगा रहे हैं या जावा में लिखा हुआ है, जब किसी मेथड के आगे थ्रोस लिखा है तो बस वो इंडिकेट क्या कर रहा है कि जब वो मेथड तुम कॉल करना, जब उस मेथड को तुम कॉल करना तो ट्राई कैच में हैंडल करके चलना, ट्राई कैच में लेके चलना, नहीं तो कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आ जाएगी, कंपाइल टाइम पे ही एक्सेप्शन आ जाएगी। अभी तो पढ़ रहे थे कि एक्सेप्शन रन टाइम पे आती है, अब वो कंपाइल टाइम पे ही आ जाएगी, वो कंपाइल टाइम पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा, और इसी को चेक्ड बोलते हैं, जो कि मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूं। बट ध्यान से मेरी बात समझना, अगर आप उसे नहीं हैंडल करोगे तो फिर उसी टाइप के एक्सेप्शन थ्रोस करा लेना। तो दो केस है बस, बहुत ही सिंपल सा केस है, किसी मेथड के आगे थ्रोस देखो तो बस समझ जाओ कि तुम्हें उस मेथड को कॉल करने से पहले ट्राई कैच लिखना है, उस मेथड की कॉलिंग के ही अंदर, कॉलिंग में ही ट्राई कैच लगाना है। और नहीं लगाओगे तो जिस मेथड में कॉल कर रहे हो, जैसे मेन में अंदर कॉल कर रहे हो तो मेन के आगे थ्रोस लगा दो, आप उसी टाइप के एक्सेप्शन थ्रोस करा दो, फिर कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और ये काम जनरली चेक एक्सेप्शन के केस में करा जाता है। तो थ्रोस जनरली चेक्ड एक्सेप्शन में करा जाता है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो सबसे बड़ा पर्पज है वो चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना ही होता है, ठीक है। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन तो प्रोग्रामर की गलती की वजह से आता है। अब देखो होता क्या है कि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाना है, आपको समझाना है, तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम में एक ऐसा सिचुएशन लाते हैं जिसमें 10 डिवाइड बाई 0 हो जाए या एरे की साइज ज्यादा हो जाए, और फिर वो एक्सेप्शन ला के आपको हैंडल करके दिखा देते हैं, कहते देखो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई। कितना गलत है वो, बिल्कुल रॉन्ग है वो। एक्सेप्शन हैंडलिंग अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए नहीं बनाई गई, चेक्ड के लिए। अब देखो, अब थ्रोस में आगे बढ़ने से पहले और पूरा कंसेप्ट पढ़ाने से पहले चेक्ड अनचेक्ड को जरा और डिटेल में समझ लेते हैं। पहले चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन समझ लेते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है और अनचेक्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। व्हाट डू यू मीन बाय द, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो चेक्ड एक्सेप्शन के बारे में बोला जाता है कि चेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम। चेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम। चेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम। अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द जेवीएम। अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द जेवीएम एट रन टाइम। अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द जेवीएम एट रन टाइम। तो अगर आप बुकिश डेफिनेशन की बात करो तो यही डेफिनेशन है कि चेक्ड आर नोन बाय द कंपाइलर, अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द जेवीएम। चेक्ड नोन बाय द कंपाइलर, अनचेक्ड बाय जेवीएम। क्वेश्चन है कि इसका क्या मतलब हुआ, मीनिंग क्या हुआ। देखो मीनिंग समझो, लिटरल मीनिंग समझो। लिटरल मीनिंग यह है, चेक्ड का मतलब चेक करो, चेक्ड का मतलब क्या हो गया, हिंदी मीनिंग क्या हुई, चेक करिए। और अनचेक्ड मतलब कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, अनचेक्ड मत चेक करो। समझिए आप, जावा कब कहता है कि एक्सेप्शन को चेक करके चलो और कब कहता है मत करो। सिचुएशन समझिए, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि जैसे मान लीजिए ये है आपका जावा का प्रोग्राम, और ये जावा का प्रोग्राम चलता है किसके अंदर, जेवीएम के अंदर, और जेवीएम कहां चलता है, ओएस के अंदर। ये हमारा प्रोग्राम ओएस जेवीएम चल रहा है। जब जावा का प्रोग्राम जेवीएम की बाउंड्री के अंदर ही चलता है, जब जावा का प्रोग्राम जेवीएम की बाउंड्री के अंदर ही चलता है, तो जावा के प्रोग्राम में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी जेवीएम की है। और जेवीएम एग्जिस्ट कब करता है, रन टाइम पे। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जेवीएम एग्जिस्ट करता है रन टाइम पे। तो और वो रन टाइम पे आपसे कहता है कि आप इसको चिंता ना करो, मैं खुद ही हैंडल करूंगा। तो फिर से समझिए, जब जावा का प्रोग्राम जेवीएम के अंदर चलता है तो जेवीएम कहता है कि इस प्रोग्राम में जो भी प्रॉब्लम आ सकती है रन टाइम पे, जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम, अर्थमेटिक प्रॉब्लम,
जैसे जितने भी रन टाइम के अंदर आने वाली क्लासेस हैं, रन टाइम एक्सेप्शन होती है ना, रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर आने वाली क्लासेस अरिथमेटिक, नल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट वगैरह वगैरह, उनके अंदर आने वाली एक्सेप्शन क्लासेस हैं, वही जेवीएम की बाउंड्री के अंदर चलती है। जब जावा का प्रोग्राम जेवीएम की बाउंड्री के अंदर चलता है, जेवीएम की बाउंड्री से बाहर नहीं जाता है, तो जेवीएम कहता है कि उस एक्सेप्शन, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो एक्सेप्शन आएगी उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको मैं खुद चेक करूंगा, अनचेक्ड, अनचेक्ड मतलब आपको वही चेक करना है। तो आप सब हो सकते हो कि अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन कौन से होते हैं, रन टाइम के अंदर आने वाले एक्सेप्शन, समझ आ रहा है? तो उस प्रोग्राम में जब एक्सेप्शन आएगी तो उसको हैंडल कैसे करना है, क्या नहीं करना है, अगर नहीं भी करोगे तो फिर देखा जाएगा, ट्राई कैच लगाओगे या कुछ होगा, फिर बाद में हैंडल हो जाएगा, व्हाटएवर। जावा का प्रोग्राम जेवीएम की बाउंड्री में चलता है तो जो प्रोग्राम में प्रॉब्लम आएगी उसके लिए एक्सेप्शन क्लासेस उन्हें बना के दिया ना रन टाइम एक्सेप्शन, और फिर उसको हैंडल करने के लिए मैकेनिज्म दिया है ट्राई कैच, उसको आप लगा के चलोगे फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाएगी। लेकिन जब जावा का प्रोग्राम जेवीएम की बाउंड्री के बाहर जाएगा, मान लीजिए यहां से बाउंड्री के बाहर जा रहा है, क्या करने के लिए, जाहिर सी बात है बाउंड्री के बाहर जा रहा है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज की बात अभी खुद हो रही थी, किसमें, फाइनली के केस में, इस एक्सटर्नल रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए जा रहा है, यानी कि फाइल हैंडलिंग करने जा रहा है, या डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने जा रहा है, या सर्वलेट प्रोग्रामिंग करने जा रहा है, ओवर द वेब जा रहा है, नेटवर्क पे जा रहा है, तो बताओ, या मान लो कि एंड्रॉयड की वेब सर्विस को कॉल करने जा रहा है, या मान लो कि पीएचपी से कनेक्टिविटी करने जा रहा है, तो इस जावा के प्रोग्राम में क्या एक्सेप्शन आ सकती है, ये जेवीएम को तो नहीं पता, कुछ ऐसा एक्सेप्शन क्लास आ गई, कोई ऐसी एक्सेप्शन आ गई जो इसके अंदर डिफाइंड ही नहीं है, तो फिर वो कहता है आपको चेक करो, चेक, अब बात समझ आ गई। तो चेक्ड एक्सेप्शन के केस में, और चेक्ड एक्सेप्शन आती कब है, जब जावा का प्रोग्राम जेवीएम की बाउंड्री में बाहर जा रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जावा में थ्रेड क्लास का स्लीप मेथड है, तो स्लीप तो थ्रेड जो चलती है वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में चलती है, स्लीप कहीं ना कहीं नेटिव मेथड है, अब नेटिव मेथड कॉल होती है तो वहां चेक्ड होगा, मतलब अब सपोज करो कि जावा का प्रोग्राम जेवीएम के कंट्रोल के बाहर जा रहा है, ओएस के पास जा रहा है कोई फंक्शन कॉल करने, डेटाबेस के पास जा रहा है कोई फंक्शन कॉल करने, आईओ हैंडलिंग इनपुट आउटपुट करने जा रहा है, नेटवर्क कनेक्शन करने जा रहा है, तो जब भी जावा का प्रोग्राम किसी भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज को शेयर करने जाएगा, फाइल हैंडलिंग करने जाएगा, वेबसाइट पे जाएगा, मतलब सर्विस को कॉल करेगा, तो वहां पे जो एक्सेप्शन जनरेट होते हैं वो होते हैं चेक्ड, चेक्ड एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि जेवीएम अपना हाथ खड़ा कर लेता है, अब कहता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि प्रोग्राम में कौन सी एक्सेप्शन आएगी, तो जेवीएम फोर्स करता है कंपाइलर फोर्स करता है प्रोग्रामर को कि इसे चेक करके चलो। फिर क्वेश्चन है कि वो कैसे फोर्स करेगा आपको, ये भी तो क्वेश्चन है, वाया थ्रोज कीवर्ड। आप एक काम करो, जावा में डॉक्यूमेंटेशन निकालते हो, इनपुट आउटपुट, सॉकेट प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल, सर्वलेट, किसी के डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करके देख लो, सारे मेथड के आगे थ्रोज कीवर्ड लगा है, सबके मेथड के आगे, क्यों? क्योंकि वो सब ऐसी चीजें हैं जहां पे प्रोग्राम जेवीएम के बाहर जाएगा ही जाएगा। और जब भी जावा का प्रोग्राम जेवीएम के बाहर जाएगा, आपने देखा मैं क्लास डॉट फॉर नेम जब लिखा था तो उस टाइम पे ट्राई कैच लगाया, और मैंने बोला था पूछना है ट्राई कैच क्यों लगाया, दिस इज द रीजन, दिस इज अ फैक्ट, क्यों? क्योंकि क्लास डॉट फॉर नेम लिखिए, कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा, कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आ जाएगा, लिखा आ जाएगा क्या नाम है, चेक एक्सेप्शन आ जाएगा, लिखा आएगा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे। तो रन टाइम को छोड़ के जितनी भी एक्सेप्शन है, जैसे क्लास नॉट फाउंड, जैसे आईओ, जैसे एसक्यूएल, जैसे जितने भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज से हो गए, सर्वलेट, ये सब चेक्ड है। चेक्ड एक्सेप्शन को इंडिकेट कैसे करा जाता है, थ्रोज के थ्रू, ये मैं आपको थ्रोज के बारे में समझा रहा था। तो आई होप आपको चेक्ड एक्सेप्शन का कंसेप्ट समझ आ गया। और एक बड़ी बात आपको बताऊं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, एक प्रैक्टिकल बात आपको यहां पे जरूर शेयर करूंगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो सबसे बड़ा पर्पज था, एक्सेप्शन हैंडलिंग को बनाने का, वो चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना था, ना कि अनचेक्ड एक्सेप्शन। ऐसा कहा जाता है, कहा जाता है कि अनचेक्ड एक्सेप्शन तो प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से आता है, प्रोग्रामर ने प्रोग्राम कोड को लिखने से पहले डिबग क्यों नहीं करा, रीचेक क्यों नहीं करा, 10 डिवाइड बाई 0 करके एक्सेप्शन ला दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात करी भाई,
मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर आपके प्रोग्राम में आ सकती है तो उसे हैंडल करके चलो ना। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन पे कंट्रोल डेवलपर का है, वो चाहे तो कुछ ऐसा कोड लिख सकता है जिससे अनचेक्ड एक्सेप्शन ना आए, बट चेक्ड का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, वो तो आना ही आना है। चेक्ड वाले तो आएंगे ही आएंगे। जब जावा का प्रोग्राम जेवीएम की बाउंड्री के बाहर जाएगा तो जेवीएम अपनी जिम्मेदारी खत्म करते हुए जिम्मेदारी कंपाइलर को देगा और कंपाइलर प्रोग्रामर को फोर्स करेगा चेक्ड इट, चेक करो कंपाइल टाइम पे ही क्लास नॉट फाउंड, कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन। और जब भी आप प्रोग्राम कोई भी चलाएं और जहां लिखे सराउंडेड विथ ट्राई कैच, एक्लिप्स में आता है सराउंडेड विथ ट्राई कैच, इसको ट्राई कैच के साथ लिख के चलो, जब भी कंपाइल टाइम पे आए तो वो समझ जाओ कि उस मेथड, जिस मेथड के आगे लिखा आ रहा है कि ट्राई कैच लिख के चलो, उस मेथड के आगे थ्रोज लगा हुआ है। और जिस भी मेथड के आगे थ्रोज लगा होता है ना, जिस भी मेथड के आगे थ्रोज लगा होता है वो हमें यह इंडिकेट तो करता है। और वो थ्रोज क्यों लगा होता है जनरली चेक्ड के केस में, नहीं अनचेक्ड भी थ्रोज करा सकते हैं बट जनरली चेक्ड के केस में। तो ये हमारा चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन का कांसेप्ट है। फिर से मैं बताता हूं चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। चेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द जेवीएम एट रन टाइम और अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम। अब चेक्ड नोन बाय द जेवीएम क्यों, क्योंकि जब जेवीएम के बाउंड्री के अंदर ही प्रोग्राम चलेगा तो जेवीएम को तो सब कुछ पता होगा कि इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी एक्सेप्शन क्लासेस तो उसके पास हैं भी, और ट्राई कैच लिखोगे तो एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। बट जब जावा का प्रोग्राम जेवीएम की बाउंड्री के बाहर कभी भी जाएगा तो इन पर्टिकुलर जो कंसेप्ट में, जैसे मान लो कि मैं जावा के प्रोग्राम को मैटलैब से कनेक्ट कर रहा हूँ, मैटलैब कनेक्टिविटी पॉसिबल है। अब मैटलैब के बहुत सारे एक्सेप्शन हो सकते हैं, उसके बारे में तो उसे पता नहीं है, तो फिर वहां पे वो जेवीएम कंपाइलर को फोर्स करेगा, कंपाइलर प्रोग्रामर को फोर्स करेगा कि भाई तू इसे चेक करके चल। और प्रोग्रामर, मैंने आपसे क्यों, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा था कि व्हेन वी हैव टू हैंडल द एक्सेप्शन, व्हेन वी हैव टू राइट द ट्राई एंड कैच, कॉलिंग और डेफिनेशन, सो डेफिनेशन टाइम पे, सॉरी कॉलिंग टाइम पे, नॉट कि डेफिनेशन, तो डिफाइंड डेफिनेशन जो उन्होंने दिया उसी टाइम पे उन्होंने, नहीं डेफिनेशन टाइम पे बस क्या लगाया जाता है थ्रोज, जनरली थ्रोज लगा के आपको मैं अभी मेथड दिखा दूंगा, आयो के जितने भी मेथड्स हैं सारे मेथड के आगे थ्रोज लगा हुआ है। और वो मेथड हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रो, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रो। तो थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रोइंग एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली इन अ प्रोग्राम, बट थ्रोज इज नॉट यूज्ड टू थ्रोइंग एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली इन अ प्रोग्राम, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइडिंग द इंडिकेशन टू द एंड यूजर दैट व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शन मे अकर इन द प्रोग्राम। थ्रो इज अ पार्ट ऑफ मेथड इंप्लीमेंटेशन, बट थ्रोज इज अ पार्ट ऑफ मेथड सिग्नेचर। वी कैन थ्रो ओनली वन एक्सेप्शन एट अ टाइम, बट वी कैन थ्रोज मल्टीपल एक्सेप्शन एट अ टाइम। जैसे आपने थ्रोज लगाया मेथड के आगे थ्रोज आयो कॉमा एसक्यूएल कॉमा कोई और, एक साथ मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रोज करा सकते हो थ्रोज मेथड के सिग्नेचर के साथ, बट थ्रो नहीं कर सकते हो, थ्रो एक्सेप्शन एक बार में कर सकते हो। आप थ्रो किसी भी टाइप के एक्सेप्शन कर सकते हो, चेक्ड भी और अनचेक्ड भी, है ना, बट थ्रोज जनरली कौन सा करते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अच्छा, आप थ्रोज के थ्रू ट्राई कैच को अवॉइड कर सकते हो, थ्रोज के थ्रू क्या कर सकते हो, ट्राई कैच को अवॉइड। कैसे, जैसे मान लो किसी मेथड के आगे थ्रोज लगा है, वो मेथड क्या इंडिकेट कर रहा है, या तो हैंडल करो या तो थ्रोज करो, तो हैंडल नहीं करके थ्रोज करा दूंगा, अवॉइड हो गया ट्राई कैच। थ्रो में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। एक कंसेप्ट होता है एक्सेप्शन प्रोपागेशन, जो कि मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। एक्सेप्शन प्रोपागेशन क्या होती है, एक्सेप्शन प्रोपागेशन जो होती है उसमें केवल अनचेक्ड एक्सेप्शन प्रोपागेट होते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अनचेक्ड एक्सेप्शन प्रोपागेट होते हैं, बट चेक्ड एक्सेप्शन भी प्रोपागेट हो सकते हैं, प्रोपागेट हो सकते हैं, उनका भी प्रोपागेशन हो सकता है, संचरण हो सकता है वाया थ्रोज कीवर्ड। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि थ्रोज कीवर्ड का एक और सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो होता है चेक्ड एक्सेप्शन को प्रोपागेट कराना, चेक्ड एक्सेप्शन को प्रोपागेट कराना। तो आपने कहा सर एक्सेप्शन प्रोपागेशन क्या होती है, तो चलिए एक्सेप्शन प्रोपागेशन भी समझ लेते हैं, साथ ही साथ अगर हमें थ्रो थ्रो समझ में आ गया है फिर इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली समझ लेंगे। देखिए एक्सेप्शन प्रोपागेशन, एक्सेप्शन प्रोपागेशन कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक शो नाम का मेथड है, फिर ये हमारा वाइड डिस्प्ले नाम का एक मेथड है, फिर मान लीजिए कि हमारा एक वाइड एम नाम का मेथड है, फिर यहां पे वाइड मेन नाम का मेथड है, टोटल मेथड हो गया हमारे पास चार, शो मेथड डिस्प्ले मेथड एम मेथड और मेन मेथड।
मेन मेथड से एम को कॉल किया, एम के अंदर से डिस्प्ले को कॉल किया, डिस्प्ले के अंदर से शो को कॉल किया। पॉसिबल है, बिल्कुल है। अब आपको पता होना चाहिए ये मेथड एक शो हो गया, एक डिस्प्ले हो गया, एम हो गया, मेन हो गया, टोटल चार मेथड हो गए। मेथड को मेमोरी मेथड एरिया में मिलती है, बट एग्जीक्यूशन स्टैक के अंदर से होती है। एक सिंगल स्टैक बनेगा और स्टैक के अंदर से एक एक करके लाइन बाय लाइन करके प्रोग्राम चलना शुरू होगा। मान लीजिए ये स्टैक से प्रोग्राम चला, इसने इसको कॉल करा, इसने इसको कॉल करा, इसने इसको कॉल करा, और यहाँ पे टॉप वाले स्टैक में मान लीजिए मैंने लिख दिया 10 / 0। मैंने लिखा नहीं, मतलब एक्सेप्शन आ गई। ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि मेथड के अंदर से मेथड कॉल हो रहा है और आपने करा क्या कि स्टॉप वाले एक्सेप्शन पे मान लीजिए एक्सेप्शन आ गई, टॉप वाले स्टैक में यहाँ एक्सेप्शन आ गई, तो फिर क्या होगा पता है? प्रोग्राम फोर्सफुली टर्मिनेट नहीं होगा, वो जाएगा अपने बॉटम ऑफ द स्टैक में, चेक करेगा क्या यहाँ ट्राई कैच है, क्या यहाँ ट्राई कैच है तो हैंडल हो जाएगा, नहीं है तो फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन प्रोपोजिशन। ठीक है, वो कब तक जाएगा? जब तक बॉटम ऑफ द स्टैक ने पहुंच जाए या तो हैंडल ने हो जाए। दो कंडीशन है, या तो बॉटम ऑफ द स्टैक पहुंच जाए या तो हैंडल हो जाए। सो इफ इन अ प्रोग्राम वी हैविंग सो मेनी मेथड्स, राइट, एंड वी आर कॉलिंग अ मेथड्स फ्रॉम वन मेथड टू अनदर मेथड, ओके, इफ एट द टॉप ऑफ द मेथड एक्सेप्शन इज गोइंग टू बी ऑकर्ड, सो इट इज ऑटोमेटिकली प्रोपोगेटेड टू द बॉटम ऑफ द स्टैक, बॉटम ऑफ द स्टैक अंटिल इट इज हैंडल और रीच टू द बॉटम ऑफ द स्टैक। जब तक ये हैंडल ना हो जाए या तो बॉटम ऑफ द स्टैक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो एक्सेप्शन अगर आया टॉप ऑफ द स्टैक में तो अपने आप बॉटम ऑफ द स्टैक में जाएगा, बॉटम ऑफ द स्टैक में जाएगा, बॉटम ऑफ द स्टैक में जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक वो एकदम लास्ट वाले बॉटम में ना पहुंच जाए, या तो पहले ही हैंडल हो जाए, यही हैंडल हो जाएगा तब भी चल जाएगा, या यहां पे आते ही। अच्छा, अगर मान लो यहां हैंडल हो गया तो प्रोग्राम हैंडल हो गए तब टर्मिनेट होगा, और अगर कहीं भी नहीं हैंडल हुआ तो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोपागेशन होता है इसे बोलते हैं संचरण, एक्सेप्शन का प्रोपागेशन। ठीक है, एक्सेप्शन प्रोपागेशन के केस में ये चीज ध्यान रखना चाहिए, एक्सेप्शन प्रोपागेशन के केस में हमेशा यहां जो एक्सेप्शन प्रोपागेशन होता है वो केवल और केवल अनचेक्ड एक्सेप्शन का होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन का होता है। अनचेक्ड एक्सेप्शन ही केवल प्रोपागेट होते हैं, चेक्ड नहीं होते, बट चेक्ड भी हो जाएंगे, थ्रोज लगा के, थ्रोज लगा के, ये थ्रोज का फायदा है। थ्रोज लगा के आप चेक्ड वाले को भी प्रोपागेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, थ्रो का यूज क्या है, थ्रोज का यूज क्या है, इन सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन अब हम प्रैक्टिकल समझते हैं।